नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS के पद के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में। तो देख सकते हैं आप कि हम हैं इस समय सरकारी रिजल्ट.com के ऑफिशियल पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट जॉब में सबसे ऊपर ही दिखा रहा है DRDO MTS फॉर्म 2019। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम पहुँचते हैं दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपके लिए इस भर्ती के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो मैं अभी शॉर्ट में आपके लिए बता देता हूं कि DRDO ने MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए 1817 वैकेंसीज रिलीज की हैं। तो इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे DRDO मल्टीटास्किंग MTS ऑनलाइन फॉर्म 2019। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर 1718 पद पे MTS की DRDO में वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पर पोस्ट डेट 13 दिसंबर, तो ये आज 10:16 पर DRDO ने ऐलान किया है कि वो MTS के पद के लिए भर्ती निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑनलाइन आर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS रिक्रूटमेंट 2019। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग वैकेंसीज एंड कंप्लीटेड द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर DRDO ने मल्टी टास्किंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज रिलीज की हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इस भर्ती के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है DRDO और पोस्ट का नेम है दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ। ये जो आज नोटिफिकेशन है DRDO तरफ से आज 10:16 पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको कुछ बता दूं। तो एप्लीकेशन बिगनिंग 23/12/2019, मतलब इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप 23/12/2019 से फिलअप कर सकते हैं। तो 23/12/2019 मतलब 23 दिसंबर 2019 तक आपको वेट करना होगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और जैसे ही इसके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे मैं आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से आप तक वो न्यूज़ पहुंचा दूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 23 जनवरी 2020 अप टू 5 PM ओनली। तो 23 दिसंबर 2019 से 23 जनवरी 2020 मतलब एक महीने का टाइम आपको मिलने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 23/12/2019 से ही अप्लाई कर दें, 4-5 दिन के अंदर अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट में कभी कभी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है तो आपके लिए फॉर्म भरने में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पे टाइम का भी ध्यान रखें, केवल 5 बजे तक ही आप 23 जनवरी 2020 को जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे उनके लिए 5 बजे से पहले आवेदन करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी एप्लीकेशन फ़ी की, पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट। तो आपको 23 तारीख के लिए ही 23 जनवरी 2020 तक ही आपको एग्ज़ाम की जो फ़ी है अपनी एप्लीकेशन फ़ी वो आपको सबमिट करनी जरूरी है। एग्ज़ाम डेट नोटिफाई सून, इसका एग्ज़ाम कब होगा वो आपके लिए बाद में बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून, मतलब एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपके लिए कुछ दिनों बाद बता दिए जाएंगे। तो अभी एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ और SC ST NPH के लिए 0। तो आप ये एप्लीकेशन फ़ीस के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई चालान के द्वारा और नेट बैंकिंग द्वारा पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट एज ऑन 23 जनवरी 2020, मतलब 23 जनवरी 2020 के लिए आपकी एज कितनी होना चाहिए। 23 जनवरी 2020 के लिए आप मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल के होना ज़रूरी है, मतलब 18 साल से 25 साल के बीच आपकी उम्र है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, मतलब जो गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से OBC SC और ST एंड अदर्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में छूट मिलेगी, वो उनके लिए एज पर रूल दी जाएगी। तो हम यहाँ पर पोस्ट के कोड का बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड है दोस्तों यहाँ पर 1301,
पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, यहाँ पे वैकेंसीज हैं 1817। तो जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए 849 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 188 और ओबीसी के लिए 503, एससी के लिए 163, एसटी के लिए 114, टोटल 1817 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी आपकी क्लास टेंथ हाई स्कूल एग्जाम पास्ट और आईटीआई सर्टिफिकेट, मतलब आपके लिए क्लास टेंथ पास होना जरूरी है और आपके पास या आपके पास में आईटीआई के सर्टिफिकेट हो। तो एग्जाम सेंटर होगा दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में, ये कई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे। तो उत्तर प्रदेश में इसके एग्जाम सेंटर होंगे वाराणसी, प्रयागराज मतलब कानपुर मतलब इलाहाबाद और कानपुर, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपके एग्जाम सेंटर होंगे इसके एग्जाम के लिए। बिहार में एक पटना में इसका एग्जाम होने वाला है, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर, और दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में होगा, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में होगा एंड अदर वेरियस एग्जाम सेंटर इन पैन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 23/12/2019 के लिए, आप sarkaririzult.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। तो यहाँ पर अगर हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें दोस्तों तो मैं आपके लिए उसमें कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम इनकी जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर रहे हैं अभी। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह से वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम की वीडियोज़ होती हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं DRDO ने ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने ये फॉर्म मतलब नोटिफिकेशन अपलोड की है उसकी डिटेल है। पोस्ट नेम मैं आपको बता चुका हूँ, 1817 पोस्ट नेम है, वैकेंसीज आपकी कैट ए, कैट बी, सी, कैट सी एंड कैट डी के लिए ये हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, उसके बाद में पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, कैंडिडेट्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ये 4 पेज का दिया हुआ है, आप इसको नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले डाउनलोड जरूर कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट डेट का ध्यान रखना 23 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है, और 23 दिसंबर 2019 से इसको जो है वो ऑनलाइन लिंक अप्लाई करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।